तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम आए हैं किसी और देश की तरह, जिस देश में ट्रेन चलती है, ट्रेन की टिकट बुक कराने, क्योंकि मज़ा ही आता है भाई ट्रेन टिकट बुक कराने में और फिर ट्रेन में जाने में। वियतनाम में बहुत लंबी ट्रेन चलती है भाई, यहाँ से हमको जाना है हनोई। हनोई है यहाँ से कुछ 1700 किलोमीटर और हम आ गए हैं यहाँ पे होचीमिन स्टेशन पे टिकट बुक कराने। होचीमिन को साइगोन कहते हैं भाई, पुराना नाम साइगोन है। तो यहाँ से हम देखते हैं कितने की टिकट बुक होती है। चलो भाजी, ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन जहाँ मिल रहे खिलौने, बिल्कुल इंडिया वाला सिस्टम है यहाँ पे तो, है ना भाजी। ये रहा टिकट काउंटर आ गए, ये शायद यही है। तो ये बटन दबा के निकलेगी भाई, ये निकले यूरोप की तरह भाजी। ले लो आप भी एक, 1151 नंबर है भाजी, 1147 चल रहा है अभी। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अपनी टिकट बुक कर ली है और हमको पड़ी है ये 1575,000 डोंग पर पर्सन की। सोने वाला बेड है, एक कैबिन में 4 जने सोएंगे, एसी है और कुछ ऐसी टिकट है यार। टिकट तो रशिया वाली देते हैं सबसे बढ़िया, और उज़्बेकिस्तान वाले भी सही देते थे। तो चलते हैं, हमने कर ली कल रात की टिकट है 9:10 की, और ये ट्रेन पहुँचाएगी हमको कुछ लगभग अगले दिन 11 को सुबह 5:40 का, हाँ 5:40 पे पहुँचाएगी हमको, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मेकोंग रिवर, जो कि आपको मैंने लाओस में दिखाई थी, थाईलैंड और लाओस के बॉर्डर पे, वो रिवर यहाँ तक आती है। और इस रिवर में आप एक छोटा सा बोट क्रूज टूर ले सकते हो, मतलब काफ़ी तरह के चलते हैं, डिनर क्रूज, बोट क्रूज, ये वो काफ़ी सारे चलते हैं। पर सबसे सस्ता चीपेस्ट क्या है कि आप ये ले सकते हो, साइगोन वाटर बस। यही आप गूगल पे टाइप करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, और ये आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएगी आधे घंटे में, और ये लेगी 15,000 डोंग वन वे, आपको वहीं पे छोड़ देगी। फिर आप कहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ से आप कहाँ से जाओगे, वापस आना है तो 30,000 डोंग की टिकट है। तो हम शायद 15,000 वाली ले लेंगे और फिर वहाँ से देखते हैं कैसे वापस आना है और क्या नज़ारे मिलते हैं भाई। होचीमिन में 15,000 कुछ भी नहीं हुआ यार, $1 यहाँ के 23,000 होते हैं, 15,000 तो कुछ भी नहीं हुआ। भाई मैं हैरान हूँ यार, इस सिटी में इतनी स्कूटी देख के, इतनी 10 ही मिनट बैठे होंगे कम से कम, यहाँ पे 3-4 हज़ार स्कूटी निकल गई होंगे भाई 10 मिनट में, इतनी भाई देखिए कभी। 3-4 लाख भाई आपने देखी है भाई? 3-4 लाख होगी, 3-4 हज़ार नहीं, जो देख तो ले, 3-4 हज़ार तो एक मिनट में जाएगी, देख तो ले यार। यहाँ बड़ा मस्त है यार, यहाँ आना, फोटोज भी बढ़िया आएंगे और नज़ारा देखो यार कितनी स्कूटी का, कह रहा हूँ जैसे कीड़ियाँ नहीं होती, कीड़ियों की तरह है स्कूटी जहाँ पे। Sometimes we're not ourselves, there's no one I can turn to. भाई मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, उसका नाम है लैंडमार्क 81, और ये है 481 मीटर ऊंची, और होचीमिन की सबसे ऊंची बिल्डिंग है भाई ये, इतनी सुंदर बनाई है यार, मज़ा ही आ गया देख के, हमको तो पता भी नहीं था इसके बारे में। तो यहाँ पे हम भाई हम पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमने कल टिकट खरीदी थी। आज हमारी ट्रेन है, ट्रेन में बचे मात्र 30 मिनट, और 30 मिनट तो खैर जल्दी पहुँच गए हम, ऐसे यहाँ पर चलती ट्रेन टाइम पर, और भाई पहुँचाएगी भी टाइम पर ही मेरे को लग रहा है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे इन ट्रेनों का हो जाता है, पर क्या पता वो भी ना हो। तो देखते हैं वियतनाम की ट्रेन कैसे टाइम पे पहुंचाती है। तो 9:10 की ट्रेन है, यहाँ पे 4-5 ट्रेन जाती हैं, तो सबसे तेज़ वाली यही है, SE2 है ये, और इसको इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि आप ना जब सुबह उठोगे ना, तो समुंदर के पास से चल रही होगी ट्रेन, ठीक है, समुंदर के पास से चल रही होगी, तो उससे क्या फ़ायदा है, आपको नज़ारे अच्छे मिलेंगे। SE2 की टिकट कराओ या फिर SE4 की टिकट कराओ, क्योंकि दोनों सुबह के टाइम पे समुद्र के किनारे पहुँचेंगी। अगर आप SE6 या SE8 की या फिर SE12 की टिकट कराते हो ना, तो आपको नज़ारे नहीं मिलेंगे,
तो देखते हैं भाई कैसे क्या नज़ारे होते हैं। हमने कल टिकट कराई थी, वो आपने देख लिया है, अब ढूंढते हैं ट्रेन। स्टेशन सही है भाई, ये देखो ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन काउंटर है। इन सीढ़ियों के ना पीछे वो टिकट काउंटर है, और उस तरफ से भी एक एंट्रेंस है, तो आप किस तरफ से घुस सकते हो, पर जनरली टैक्सी वाले आपको यहाँ छोड़ते हैं। हम इंडियन खाना, 2 समोसे + 5 रोटी + दाल तड़का पैक करा लाए हैं, कल सुबह खा लेंगे या फिर मतलब रात को भी खा लेंगे। यहाँ पे दुकानें वकानें हैं छोटी मोटी, यहाँ से है एंट्री। ये मैंने पहली बार देखा है कि भाई फ्लाइट की तरह लेट 5 मिनट पहले बंद हो जाएगा एंट्री के लिए, और यहाँ होगी चेकिंग। चलें भाजी, ये अपनी टिकट, कोच नंबर 8 सीट नंबर 4। मैंने आपको बताया था ना SE2 नंबर है अपनी ट्रेन का, तो ये रहा ट्रैक 1, 2, 3, 4, 5 है बस, मतलब यहाँ पे ट्रैक ना यही खड़ी अपनी ट्रेन, ट्रैक नंबर ये लिखा है ट्रेन का, ताऊ ताऊ का मतलब ट्रेन का नंबर, और ये जो नीचे लिखा है 9:10। चलो चलो, देखो ये फर्स्ट क्लास कैबिन, इसमें 2-2 सीट हैं, ये किसी ब्लॉगर का ही होगा। देखो सीट नंबर 4, ये क्या स्टेशन के अंदर बंदा स्कूटी लेके आ गया है। भाई चलने से पहले यहाँ पे थोड़ी बहुत दुकानें वकानें भी हैं, जिससे आप पानी वानी खरीद सकते हो, हमने खरीद ली 2 बोतल और बस। ये है अपना कैबिन, वही रशियन रेलवे जैसा 4 जनवरी पर, यहाँ पे बच्चों का ट्रैवल फ्री है शायद, या फिर आधे पैसों में। तो ओ लाइट ही चली गई ट्रेन की, लाइट गई। भाई ये ले आए थे समोसे पैक करा के, और इन बच्चों ने गाड़ रखा अल्लाह, और ये जाएंगे हनोई तक हमारे साथ। भाई खतरनाक हो गया मामला, बच्चों की टिकट फ्री हो गई यहाँ पे, इसलिए ऐसे 3-4 लेके आ गए साथ में। क्या आपको कुछ लेना है? तो भाई यहाँ पे ऐसे आते हैं बेचने, क्या क्या इसके पास? कॉर्न वॉर्न बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्रिंग कोक है। ट्रेन को चले हुए हो गए हैं 14-17 घंटे और हम पहुँच गए दना। तो ये अपनी ट्रेन, अब पता नहीं कितनी देर में चलेगी यहाँ से। ट्रेन लेट है, ये अनाउंसमेंट भी हो रही है और ये बता भी रही है, पर इसको इंग्लिश नहीं आती और बता नहीं पा रही कितनी देर यहाँ रुकेगी कितनी देर नहीं रुकेगी। तो फिर 10 डिब्बों की ट्रेन होगी ये। ये पाजी को मैंने भेजा था टूथपेस्ट लेने, मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा था, चलने लग गई चिल्ला दूंगा। जैसे शुभम की छुट गई थी ट्रेन, वैसा तो नहीं होएगा। चलो अरे क्या हुआ पाजी, कितने की आई? 17,000 की। चलो 30,000 की। चलो 17,000 की, 30,000 की। पाजी लेट है ट्रेन। ये आ गया दनांग, ये भी बहुत फेमस है टूरिस्ट के लिए, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट मतलब बीच में हॉल्ट ले लेते हैं और फिर बाद में दूसरी ट्रेन बुक करके आगे जाते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम डायरेक्ट ही जाएंगे इसमें। तो ये ट्रेन का वॉशरूम, इसमें लिखा है इस बटन को 2 से 4 सेकंड तक दबा के रखना है यूज़ करने के बाद, ऐसा कुछ वॉशरूम है। ठीक है साफ सफाई पर टिशू वगैरह नहीं है, और यहाँ से पूरा बाहर का नज़ारा आप लेते रह सकते हो, बाहर के लोग भी आपको देखते रह सकते हैं कि टॉयलेट कर रहा है, मतलब खड़े हो तभी देख पाएंगे वो भी। तो रशियन रेलवे की तरह यहाँ पर भी टाइम टेबल लगा पड़ा है, हम चले थे साइगोन से, हम पहुँच गए बिल्कुल मिडल वे पे, नीचे हनोई है, 1:17 से 1:42 तक का स्टॉप है यहाँ पे। SE2 हमारी ट्रेन का नंबर, SE4, SE6, SE8, SE12 5 ट्रेन चलती हैं, उल्टा हो जाएगा अगर आप हनोई से आते हो तो, पर ट्रेन लेट है, अभी 2 बज रखे थे जब हम पहुँचे यहाँ पे, तो 41 मिनट लेट चल रही है ट्रेन।
भाई यहाँ पे दो वो लगे हुए मार्किंग, अगर बच्चा इस मार्किंग के नीचे है जो कि है 1.12 मीटर तो बच्चा फ्री जाएगा, अगर बच्चा इस मार्किंग के नीचे है 1.32 तो बच्चे का फेयर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऐसे कई बार पेरेंट्स काउंटर पे कोई और बच्चा दिखा दें, यहाँ पे कोई और बच्चा आ जाए तो यहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि 1.12 है या नहीं। तो ये है भाई जो मैंने कहा था, ट्रेन के राइट साइड में अगर आप आके देखोगे तो आपको ऐसा नज़ारा मिलेगा होचीमिन से हनोई तक का, हनोई जाते वक्त मतलब थोड़े से पैच आएगा, एक ऐसे पहाड़ के ऊपर से आ रही थी ट्रेन और आपको ऐसा रास्ता देखने को मिलेगा, ये बढ़िया लग रहा है यार, है ना भाजी, मस्त है ना भाजी। तो चेयर लेके आ गए भाजी, कहाँ मिल रही है चेयर, किसी की बड़ी बड़ी उठा के ले आया। वो जो आप दूर देख रहे हो भाई वो है दनांग शहर और ये भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है भाई। तो भाई यहाँ पे मैंने ऑरेंज जूस लिया और पाजी ने ली कॉफ़ी, बिल आया शुगर मोर शुगर 40,000 का। और भाई मैंने तो जूस ऐसे ही ले लिया था पीने के लिए और इसके साथ इसने ये भी दे लिया बर्फ़ से भरा हुआ ग्लास, तो ये मतलब मेरे को मस्त चीज़ लगी है ना भाजी। क्या बर्फ़ से भरा हुआ ग्लास इंडिया में कहाँ देते हैं, अगर हम पेप्सी लेते तब भी देते। तो भाई खराब हो जाए अल्लाह का। तो भाई यहाँ पे रुके ट्रेन, शाम के बज रहे 5 और एक मैगी ले ली, दो चिप्स ले लिए और पाजी ने ओरियो लिए हैं क्योंकि पाजी को समझ में नहीं आता मैगी नॉन वेज है वेज है, तो भाई मेरे को तो इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। भाजी जूस वूस देख लो अपना, जूस वूस कुछ ले रहे हो, बियर वियर ले लो भाजी। तो चलो चलते हैं ट्रेन में, 5 मिनट के लिए रुकी यहाँ पे, 7-8 मिनट के लिए शायद, 5-7 मिनट के लिए। भाजी मोमोज वोमोज भी हैं यहाँ पे, तो अंडे हैं मोमोज नहीं है, अंडे हैं। तो भाई ये मैगी मैंने खरीदी थी स्टेशन से और यहाँ से आप भर सकते हो गर्म पानी, पर इसमें क्या सिस्टम है, आपको ठंडा पानी निकालना है तो येलो वाला और ग्रीन वाला बटन एक साथ दबाना पड़ेगा और ये दोनों लाल एक साथ दबाने पड़ेंगे। तो भाई हम पहले कंफ्यूज हो गए, मैं कहा आ नहीं रहा है, मैगी बर्बाद हो गई मेरी। अच्छा यहाँ पे लिखा भी है ओ आज रेस्टोरेंट चलो। तो भाई आए तो हैं खाना सा लेके, ये इसमें चावल है, सूप है, आगे वाले में चिकन वगैरह पता नहीं क्या है, हमें पता नहीं क्या सिस्टम है, फ्री है या नहीं है पक्का क्या फ्री मेडल वाले ने पैसा नहीं दिया उसने। ये भाई ट्रेन का रेस्टोरेंट, ये है भाई इस ट्रेन में बैठ के जाने वाली भी सीट है, अगर मतलब कोई 4-5 घंटे का सफर कर रहा है तो 2 डिब्बे बैठ के जाने वाले भी हैं। ये है भाई यहाँ का 3rd क्लास डिब्बा में 3 सीट है इंडिया की तरह। और भाई जो ये सीट पाजी जिस सीट पे बैठे हैं ना, ये हमको पहले लगा कि किसी की पर्सनल है, ठीक है हमको पहले लगा कि कोई होची मिन से भर के लेके आया है, वहाँ रखी थी बहुत सारी और किसी की पर्सनल है तो 2-4 लोग बैठे थे ऐसे पूछ पूछ के बैठे होंगे, और हम सारे डिब्बों में घूम के आए तो सब डिब्बों में ऐसी चेयर्स हैं कि भाई अपने इस कंपार्टमेंट से बाहर आके आप इस चेयर पे बैठ सकते हो। भाजी सही सुविधा है ना वैसे, ये बिल्कुल सही सुविधा। और अभी हम रेस्टोरेंट कार में चले गए, पाजी से तो बिल्कुल बैठना हुआ नहीं वहाँ पे, बांस तो खैर बहुत ज़्यादा आ रही थी, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइज भी नहीं था अच्छा जैसे रेस्टोरेंट ट्रेन में होता है। हम तो अपने जूस लेके आ गए बस, और यही जूस आपको सीट पे दे के जाएगा वो 20,000 का जो मैंने पहले दिखाया था, और वहाँ से हम लेके आए 15,000 का। तो ये हो गया ट्रेन में दूसरी रात हमारी, पाजी कर रहे अपनी एडिटिंग और हम पहुँच जाएंगे कल सुबह 6 बजे के करीब, अभी बज रहे रात के 8, कल भी हम रात को ही चढ़े थे वैसे 9 बजे, तो 2 नाइट हमने ट्रेन में स्पेंड करी है, 32-33 घंटे की ट्रेन, देखते हैं कितना क्या लेट पहुंचाती है। ठीक थी भाई ट्रेन है। तो ये हम पहुंच गए भाई हनोई, और इनकी ट्रेन देखो यार प्लेटफॉर्म से कितना नीचे है, प्लेटफॉर्म से कितना नीचे है इनकी ट्रेन है, बिल्कुल घिसड़ घिसड़ के चलती है मतलब जैसे, पर बढ़िया था। और सिर्फ 15 मिनट लेट हुई है ट्रेन,
5:40 का था, 5 मिनट पहुंचे हो चुके, मतलब 15-17 मिनट लेट हुई है अभी।